दोस्तों अभी मैं आया हूँ कॉर्बेट म्यूजियम। ये जो पीछे दिख रहा है ये जिम कॉर्बेट का घर था। ये दोनों सर्दियों में जिम कॉर्बेट यहाँ रहते थे। यहाँ से सामने सीधी रोड जा रही है नैनीताल की तरफ। यहाँ से नैनीताल 30-32 किलोमीटर है। गर्मियों में वो नैनीताल रहते थे। ये मेन बिल्डिंग है, उसके साथ में वो है और एक ये छोटा सा वो है। अभी मैंने पूछा यहाँ पे कि ऐसा स्पेसिफिक कुछ था कि किस में रहते थे, तो उन्होंने बताया इसमें जिम कॉर्बेट रहते थे, इसमें उनकी बहन रहती थी। लेकिन ये ऑथेंटिक बात नहीं है, इस अंदाजे से है, क्योंकि मेन बिल्डिंग ये दिख रही है, लग रहा है यही घर था। ये हो सकता है किचन या स्टाफ क्वार्टर ऐसा कुछ रहा हो, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। अभी ये बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, कुछ टॉयलेट्स वहाँ बने हैं। ये घर है, ये बाउंड्री, इसके पीछे ही छोटी हल्द्वानी गांव है जो कि जिम कॉर्बेट ने बसाया था। ये जिम कॉर्बेट की स्टैचू लगी है यहाँ पे, ये पीछे फोटो। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट 1875 में इनकी बर्थ हुई थी, 1955 में इनकी डेथ हुई थी। एक ब्रीफ मैं बता देता हूँ, 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। ये 8वें बच्चे थे अपने माँ बाप क्रिस्टोफर एंड मैरी जेन कॉर्बेट के। नैनीताल में ही पले बड़े, वहीं पे इनकी एजुकेशन हुई। विंटर्स ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ काला ढूंगी, यहाँ पे होता था, क्योंकि उनको ये जगह पसंद थी क्योंकि ये जंगल से घिरी हुई थी। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी की और आर्मी में नौकरी की। बाद में वो नैनीताल और काला ढूंगी वापस आ गए। फिर उन्होंने बुक्स लिखी, मैन ईटर हंट किए। जिम कॉर्बेट ने कभी शादी नहीं की थी, सारी जिंदगी अपनी सिस्टर मैगी के साथ गुजारी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो केन्या चले जाएंगे। और जितनी भी बुक्स अभी मैं पढ़ रहा था, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जितनी भी बुक्स हैं, ये उन्होंने केन्या में जाके पब्लिश कराई। 1955 में उनकी डेथ हुई। दोस्तों ये वो वरांडा है, ये खिड़कियाँ, ये सब उसी टाइम की है। ये छत आप देख रहे हैं, आप कल्पना करिए जिम कॉर्बेट यहाँ से बैठ के। सामने नैनीताल वाला रास्ता है, ये रोड आज इतनी चल रही है, उस टाइम पे नहीं चलती थी। कोशिश तो ये की गई है कि फर्श को वैसा के वैसा ही रहने दिया जाए। आप ये जो देख रहे हैं फर्श ऐसा ही है, बीच बीच में रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाती है। जहां तक मेरा अंदाजा ये उसी पीरियड का है, बीच में रिपेयर कर दिया गया होगा। ये रेलिंग बात की है, और जब कॉर्बेट यहाँ थे तो उनको ऐसा कुछ नज़ारा दिखता था। पता नहीं है आम का पेड़ तब का है कि नहीं है, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ जंगल रहे होंगे। पहले लेफ्ट वाले हाउस में चलते हैं। डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल 1926। डियर कॉर्बेट, आई एम डिजायर टू कन्वे टू यू हिज एक्सेलेंसीज द गवर्नर्स थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन किलिंग द मैन ईटर। आई इनक्लोज द ओरिजिनल टेलीग्राम एज यू माइट विश टू कीप इट। तो ये दोस्तों जब उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरभक्षी गुलदार को मारने पर गवर्नर का जिम कॉर्बेट को बधाई का तार, ये लेटर था, और ये मेन जो टेलीग्राम आया था वो है। और जब इन्होंने मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को मारा था तो उस वक्त की फोटो है। ये एक्चुअल जिम कॉर्बेट है और ये नीचे लेटा है, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। ये कॉर्बेट के साथी थे बहादुर खान। ये कॉर्बेट शिकार पर जाते हुए साथ में बहादुर खान है।
ये दोस्तों, अभी मैंने चंपावत मैनेटर की स्टोरी कंप्लीट की है कल परसों ही। तो जब चंपावत मैनेटर को मारा तो ये बंदूक उनको गिफ्ट में मिली थी, 0.275 रिग्बी राइफल। ये बैचलर ऑफ पवलगढ़ है, पवलगढ़ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आज सुबह मैंने ट्रैक किया उस तरफ, तो वहाँ पे आज भी टाइगर है पवलगढ़ की, आप सफारी कर सकते हो। ये वो कंट्रोवर्शियल पार्ट है जिम कॉर्बेट की लाइफ का, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे भी, जबकि कंट्रोवर्सी करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ब्रिटिश मीडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिम कॉर्बेट ब्रिटिश थे, लेकिन उसके बावजूद हुई थी। ब्रिटिश लोगों ने भी कहा था कि ये गलत किया कॉर्बेट ने, ये सिर्फ सुंदर टाइगर, बहुत बड़े साइज़ का, 10 फिट 7 इंच का टाइगर था, सिर्फ इसलिए मार दिया था कि ट्रॉफी हंटिंग के लिए। तो ये एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है उनकी लाइफ का। ये भी वही है, बैचलर ऑफ पवलगढ़, और फोटो में भी आप देख सकते हो कॉर्बेट पीछे खड़े हैं और कितना जबरदस्त टाइगर है। ये लेपर्ड की खाल के साथ हैं कॉर्बेट, नीचे महासीर मछली का वेट कर रहे हैं। ये गन रैक थी, इसमें कॉर्बेट अपनी गन रखते थे। ये देखिए, गन्स लगाने के लिए ये खांचे बने, और नीचे उसके बट होल्डर भी बना हुआ है। ये कुछ लेटर्स लगे हुए हैं, एनलार्ज करके लगाया है। इस ये जगत सिंह को लेटर है, ये उनकी प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब ये आर्मी में गए थे। ये दोस्तों फर्नीचर उन्हीं के टाइम का है, और ये जो आप देख रहे हो ये चेयर्स थीं जिसमें जिम कॉर्बेट बैठा करते थे। ये उनका सोफा है, ये टेबल, एक फोटो ये लगी हुई है। इस दरवाजे के पीछे से ऐसा नजारा आता है। तो जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये शायद उन्होंने ड्राइंग रूम या मिलने जुलने का बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे सोफा भी लगा हुआ है, और रहते शायद इस घर में होंगे। अब ये दूसरा जो है, ये कॉर्बेट की मदर की पेंटिंग है। ये उनके फादर है, क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। ये है मैगी, जो जिम कॉर्बेट की सिस्टर थी, और ये हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी। इसमें लिखा है मार्गेट, इनका एक्चुअली नाम था मार्गेट कॉर्बेट, मार्गरेट कॉर्बेट, मैगी शॉर्ट में था। एज में 1 साल बड़ी थी, केवल उनकी बड़ी बहन नहीं थी, उनकी सबसे घनिष्ठ सहयोगी थी। वृद्ध अवस्था में जिम और मैगी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहे। ज़्यादा टाइम नैनीताल और कालाडूंगी में बिताया, कालाडूंगी वही जगह है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। ये भी प्रकृति प्रेमी थी, बर्ड्स में इनकी विशेष रुचि थी, दाना डालने जाती थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सामाजिक कार्यों में योगदान देती थी, बच्चों को पियानो भी सिखाती थी। 1963 में मैगी का देहांत हो गया, और उन्हें अपने प्रिय भाई जिम कॉर्बेट की कब्र के साथ में अंतिम शरण दी गई। ये कॉर्बेट, ये रेलवे में सर्विस के टाइम की पेंटिंग है, ये कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये सेना अधिकारी के रूप में कॉर्बेट, ये अपनी सेना की जो इनकी वर्दी थी, ये जब बिजनेस करते थे उसके बारे में कुछ पेंटिंग्स हैं। ये एक्चुअल फोटो नहीं है, पेंटिंग्स है। ये दोस्तों बॉनफायर एरिया देखिए, यहाँ बैठ के कॉर्बेट अपनी सर्दियाँ बिताते थे, क्योंकि
क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ती, नैनीताल से कम पड़ती है। तो ये फायर प्लेस जो है, एंटर करते जो बड़ा कमरा था, डेफिनेटली ये भी हो सकता है ड्राइंग रूम हो, तो इस फायर प्लेस ने जिम कॉर्बेट को अपना टाइम स्पेंड करते हुए देखा है। एक पेंटिंग ये लगी है, कुछ लेटर्स हैं जिनकी कॉपी एनलार्ज करके लगाई है, ये पेंटिंग्स हैं। ये कॉर्बेट इन केन्या 1947 में भारत छोड़कर केन्या जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स वहीं रहते थे और उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी थी वहाँ पर। और केन्या वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी ज़्यादा थी, अच्छी खासी घनी वाइल्ड लाइफ थी, जिससे जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वहाँ जाएंगे। कॉर्बेट अफ्रीका के मोम्बासा पहुँचे, मुंबई से नेरी नाम के एक कस्बे में जा बसे। अपने घर का नाम उन्होंने रखा ट्री टॉप्स। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से जुड़े रहे, यहाँ पे एक सफारी लैंड नाम की टूरिज्म कंपनी चलाई उन्होंने, और केन्या की गवर्नमेंट ने उन्हें वन्य जीव प्रतिपालक, कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ की उपाधि दी। 1952 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ की अफ्रीका यात्रा के दौरान उनका वेलकम करने का मौका भी मिला। केन्या के में उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी, कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 19 अप्रैल 1955 को जिम कॉर्बेट का निधन हो गया और उन्हें नेरी में सेंट पीटर्स चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, उनके दोस्त हैं, बहादुर सिंह खान, कुंवर सिंह, मोती एन पनुआ, राम सिंह, धनमन गोस्वामी, एक दयालु व्यक्ति, लोगों की मदद करते थे, वो दिखाया गया है। कुछ पेंटिंग यहाँ पे, प्रकृति प्रेम, एक बहुआयामी व्यक्तित्व, यानी कि बांसुरी भी बजाते थे। कॉर्बेट की याद में एक स्टैम्प भी जारी किया गया, डाक टिकट वो लगा हुआ है। टाइगर की पेंटिंग है, ये ढिकाला साइड की लग रही है। कॉर्बेट के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कुछ पेंटिंग्स यहाँ हैं, पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र। ये एक तरह का स्ट्रेचर समझ लीजिए, डोली है ये, इनका जो ट्रीटमेंट करते थे वो रखा हुआ, कुछ दवाएं टिंचर वगैरह रखा है, प्लास्टर काटने की आरी वगैरह होगी। ये उनका हैट रखा हुआ है, ये दोस्तों जिम कॉर्बेट का एक्चुअल हैट है, ये देखिए। ये सब मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये कील किस बात की है पता नहीं। ये सब प्लेटें वगैरह उनके टाइम की ही है, वो पीछे ट्रे रखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मरीज को बिठा दिया जाता था, ऊपर से ये कवर करने का भी था, और लोग कंधे पे उठा के चलते थे। इसी की फोटो रखी हुई है यहाँ पे, किस तरह से ये यूज होता था। ये देखिए दूर से ऐसा व्यू आ रहा है। ये जो मेज है दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने अपने हाथों से बनाई थी। ये कुर्सी भी उन्होंने खुद बनाई थी खाली टाइम पे। और ये जो पीछे बेड देख रहे हैं, जब वो कैंपिंग करते थे, आप देखते थे ना कि उनके साथ 6-7 आदमी चलते थे, तो ये बेड, पीछे वाला बेड जो दिख रहा है, मैं ज़्यादा आगे जा नहीं सकता क्योंकि ये लगाया हुआ है, तो ये बेड कैंप के अंदर इसी बेड में सोते थे जब जब उन्होंने टाइगर मारे। और ये जो लालटेन देख रहे हो आप, ये कैरी करते थे उनके साथ में उनके स्टाफ, जो कि जंगल में जब वो चलते थे। ये उनका फर्नीचर है, लेकिन ये वाला कुर्सी और मेज उन्होंने अपने हाथों से बनाया। इस अलमारी में जिम कॉर्बेट अपने कपड़े रखते थे। ये शायद सुअर वगैरह पकड़ने का फंदा है। एक बहुत बड़ा सुअर लेके आ रहे हैं बोट में, उस फोटो में दिख रहा है, लेकिन पास जा नहीं सकता।
एक इस फोटो में दिखाया कि बहुत बड़ा सुअर लेके आ रहे हैं, इसके नीचे ही रखा हुआ है बेड, ये देखिए। तो ये कैंपिंग बेड है जिसको कि जितने भी आपने मैन ईटर वाली कहानियाँ जिम कॉर्बेट की सुनी हैं, जिम कॉर्बेट इसी में सोते थे। ये कैंपिंग के टाइम पे चेयर और ये स्टूल ये लगा दिया जाता था और वो नाश्ता इसी में करते थे। दोस्तों दोनों घर जो हैं, बगल वाले घर से सीढ़ियाँ ये उतर रही हैं, बीच से उतरने का रास्ता ये है और एक घर साइड में ये है, उससे भी सीढ़ियाँ ये उतर रही हैं। ये लगता है सर्वेंट क्वार्टर वगैरह था उस टाइम का ही। ये दरवाज़ा उतरता है पीछे से, एक दरवाज़ा वो पीछे खुलता था। एक पहले लगता है यहाँ भी दरवाज़ा था, बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि स्टेयर्स बनी हुई हैं। शायद ये भी दरवाज़ा ही था। ये वो लॉन वगैरह थे, अभी अलग तरीके से डेवलप्ड है, पहले कुछ अलग तरीके से रहे होंगे लेकिन इस बंगले का ही पार्ट थे। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिम कॉर्बेट का घर जो कि आजकल म्यूज़ियम है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।